हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले मैंने ये कपड़े फोल्ड करने शुरू किए हैं। क्या है कि ये जब सिमट जाएंगे ना, तो ये चद्दर झड़केगी। उसके बाद में जो बाकी चद्दर हैं वो भी झड़का दूंगी, क्योंकि आज कोई काम किया ही नहीं है। क्योंकि सुबह से सोम है ये, मतलब पीछा नहीं छोड़ता ना, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जिस दिन ये ठान लेता है ना कि आज मम्मी को परेशान करना है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ मैं इसको बिठा के फटाफट से ये कपड़े रख रख के आ रही हूँ। क्या लगाऊँ टीवी में, क्या लगाऊँ? और दूसरा ये भाई साहब है ना, मेरा पीछा, मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि साथ साथ मैं इसकी केयर करती रहती हूँ कि मैं जो काम करूँगी ना, वही काम इसको करना होता है और वहीं पर आके बैठना होता है। अब देखो, मैंने मुश्किल से इससे चार्जर लिया है कि इन बच्चों को आजकल, मतलब इसको तो पहले से ही ये आदत है कि ये चार्जर वगैरह जो भी चीज़ दिखती है ना, तो ये काम करने लगता है वही। और यहाँ देखिए, मेरा तकिया छीन रहा है, बोल रहा है मैं भी ये जो कवर है तकिए का इसके अंदर डालूंगा। और ये देखो, चादर भी बिछाऊंगा। मतलब हर काम इसको करना है, जो काम मुझे करना है ना, वही काम सोहम को करना है, क्योंकि ये क्योंकि मेरा बेटा है ना, इसलिए और यहाँ पे देखिए, इसने मेरे से लड़ाई भी शुरू कर दी कि आप मेरे को अगर काम नहीं करने दोगी तो मैं लड़ाई करूँगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं रुकता, नीचे बिल्कुल, मतलब थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसके बाद बोल देगा मम्मा पास जाना है, या फिर खुद से चल पड़ेगा। तो सीढ़ियों में थोड़ा डर लगता है कि ये अकेला चल के आता है ना, तो गिर ना जाए कहीं, और फिर ये यहाँ से अकेला उतरने की कोशिश करता है। तो आजकल इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये मैं जो देखिए अभी क्या कर रहा है, ये लो चल दिया। मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और इसको नहाने के लिए ले गई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नहा के सो जाएगा। पर ऐसा बाद में हुआ कुछ नहीं था ऐसा कि ये सो जाता, सोया नहीं भाई साहब। ये कल का व्लॉग है तो इसलिए मुझे पता है। और जब से इसको टकला कराया ना, तब से मेरे को और ज़्यादा प्यारा लगा है। और यहाँ पे मेरा किचन का सामान कुछ गिरा, मतलब ये जो खाना बनाया था मैंने, उसके बाद हमारा दोनों को खाना नहीं बना। बेब इधर देखो, आ जा इधर आ जा। चश्मा भावी ना दे रहे, देख ले जी, ताऊ को दिखा दो। आंटी है, आंटी वीडियो बना रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, ये मेरे साथ ब्लॉग नहीं बनवाते, क्यों नहीं बनवाते बताओ? बनाओ, कमजोर आदमी नहीं, कमजोर को नहीं किसी मैं क्या कंटेंट डालू अकेले, एक आधा चेहरा और नजर आए तो बात भी है। अब मैं अकेली मेरा ही चेहरा नजर आता है पूरे व्लॉग के अंदर, मैं कितना वीडियो बनाऊँ फिर? इसलिए मेरा कल व्लॉग नहीं गया। और आज बस मैंने सोचा ही था व्लॉग बनाने के लिए, तभी ये शायद पेड़ पौधों में पानी दे के आए हैं, और शीशे ये कैमरे को वो देख के, और फिर इनको लग रहा था कि जैसे मैंने ऑन नहीं कर रखा। आज मैंने भी इनसे पूछ ही लिया, क्या है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो आते नहीं है ये सामने, मतलब जब अभी तक मैंने लिया ना, तो इनको फोर्स करके कि चलो व्लॉग के अंदर आओ, या रिक्वेस्ट करके मैंने व्लॉग बनवाया है, तो ये बनाते नहीं है मेरे साथ ब्लॉग। ऐसे कहते हैं मैं टीचर हूँ तो मेरे ऊपर शोभा नहीं देता। तो क्या ब्लॉगिंग करना बुरी बात है? बुरी बात है तो क्या इसमें, क्या बुरा है ना, ये बुरी बात है नहीं है, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। हाँ जी, लेजर लेजर हाँ।
और शायद हमारे दूध को मेरी नज़र लग गई। क्या है कि मैं आपको बताती थी ना, हर चार दिन में मैं एक बार घी निकाल लिया करती, तो ये लीजिए, भैंस ने दूध ही देना बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में थैली का दूध मंगवाना पड़ रहा है। तो जी मदर्स डे आ रहा है, उसके लिए मतलब राजस्थानी थीम चुनी गई है, और राजस्थानी थीम के अंदर मतलब पहले तो कुछ और था, रेट्रो बॉलीवुड कुछ इस टाइप से था, लेकिन उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन राजस्थानी थीम है अभी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि मैं आपको पता ही है राजस्थान से कितना ज़्यादा कनेक्ट हूँ, और इसलिए मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, देखिए आप लोग। और आज मैंने टीवी में देख के थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है कि शायद मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूं, और मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही है, थोड़ा बहुत और सीख लूं, जिससे मेरा काम चल जाएगा। क्या है कि अब कोई बचपन तो है नहीं, अब बड़े बड़े हो गए हैं, और कोई कंपटीशन भी नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हाँ बस एक फ़ील करने वाली बात होती है कि हर चीज़ को कुछ भी करो उसको फ़ील करना चाहिए, नहीं कि हाँ जब तक किसी चीज़ की फीलिंग नहीं आती ना, तो वो अच्छे से नहीं होती है। तो जी शाम का समय हो रहा है, और मैं बना रही हूँ अभी चाय। क्या कि आज शाम की चाय नहीं पी थी, और आप लोगों को एक बात और बतानी है, आप लोगों को पता है मैं अभी यीशु के स्कूल का मतलब फंक्शन है मदर्स डे पे, तो मतलब स्कूल में सभी मम्मियों को जाना है, तो मैं ये सोच रही थी स्कूल टाइम पे जब मेरा स्कूल था ना, तब मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, मतलब स्कूल टाइम पे, कॉलेज में तो नहीं, लेकिन स्कूल में कोई भी डांस होता था ना, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, और जब कॉलेज में मैं हमेशा म्यूज़िक में करती थी, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं म्यूज़िक के, और डांस में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस टाइम पे है ना, मतलब अब शादी हो गई, शादी के इतने टाइम बाद में, और जब यशु के स्कूल में प्रोग्राम है, तो मेरे को सोचना पड़ रहा है, क्या कि बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है, लाइफ ही चेंज हो जाती है, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मम्मी आएंगी, और वो सब तो बहुत अच्छा नाचेंगे, और मुझे तो ऐसा कुछ खास आता भी नहीं है, और पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ना एक तरफ ये भी लगता है कि कुछ भी हो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, नहीं क्योंकि एक ऐसा माहौल मिल रहा है एंजॉय करने का, तो उसको पूरा एंजॉय करने का हक बनता है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा डांस करके देख रही थी। ठीक है, और ये चाय ज़्यादा बन गई है, इसमें मैं दूध मिक्स करके दोनों बच्चों को पिला दूँगी चाय बोल के। ठीक है, ऑटोमेटिक ज़्यादा बन गई, मैंने मेरी भी नहीं बनाई थी, और दो दिन से व्लॉग नहीं आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता मेरा, और डेली डेली काम की व्लॉग बना बना के ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी पक जाते होंगे, नहीं और मेरे पास ज़्यादा मतलब वीडियोस के अंदर क्या बोलते हैं, और ज़्यादा कुछ मेरे पास होता नहीं।